हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है अनदर ब्लॉग वीडियो में। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ दीदी को छोड़ने के लिए रांगापाड़ा जंक्शन। तो घर सामने भी स्टेशन है, लेकिन वहाँ पे सुबह तो ट्रेन नहीं आता है, तो अभी दीदी का जाना थोड़ा जल्दी में है, तो इसलिए रांगापाड़ा जाऊँगा, उसको छोड़ के आऊँगा। ठीक है, तो बाइक में जाएंगे और दीदी को छोड़ के भी आएंगे, और वहाँ का मैं थोड़ा आप लोगों को रांगापाड़ा का जो वहाँ पे जंक्शन है, तो थोड़ा बड़ा स्टेशन है, तो वहाँ का मैं थोड़ा व्यू आप लोगों को दिखाऊंगा। और आज का ब्लॉग रहने वाला है रांगापाड़ा का ही। ठीक है, तो गाइस आज का ब्लॉग गाइस रांगापाड़ा का होगा। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस, आप लोग हमारे आसाम का नज़ारा यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि है ये चाय बागान, और कितना हरियाली आप लोग खुद देख सकते हैं। ये है हमारा असम का लुक एट व्यू। तो आप लोग देख सकते हैं, ये है रांगापाड़ा का ओवरब्रिज, और अभी स्टेशन पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। चलिए देखते रहिए वीडियो को। तो गाइस, स्टेशन में पहुंच गया। अभी स्टेशन में ऑलरेडी ट्रेन आ चुका है, अभी 5 मिनट बचे हुए हैं। जल्दी से टिकट काट के दीदी को उठा दूंगा ट्रेन में, उसके बाद मैं आप लोगों को ब्लॉग यहाँ का दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहे। गाइस, रांगापाड़ा स्टेशन पहुंच गए। अभी 5 मिनट लेट होता तो ट्रेन पक्का चला जाता। अभी इधर लाइन में है ट्रेन, आप लोग देख सकते हैं। तो टिकट वगैरह सब कुछ ले लिया। वो दीदी भी आगे जा रहे हैं। वो दीदी थोड़ा पीछे जाएंगे और सीट में बैठा रहेंगे। टिकट वगैरह सब कुछ ले लिया है, टिकट भी काट लिया है। तो अभी ये रांगापाड़ा स्टेशन है। तो गाइस, दीदी को विंडो के सामने यहाँ पे सीट भी मिल चुका है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और रांगापाड़ा में बहुत ही बढ़िया है कि अवेलेबल होता है ऑलवेज सीट। दीदी को भी बैठा दिया, ट्रेन भी चला जा रहा है। गाइस, अभी आए थे तो दो, अभी जाऊँगा एक ही। गाइस, दीदी को सीट भी मिल गया, वो वहाँ पर बैठी है दीदी, उसका सीट भी मिल गया है। गाइस, 46 हो गया, तो मैं 6:35 को यहाँ पे पहुँच गया था। 5 मिनट में ट्रेन भी चला गया। तो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस लोकेशन पे हूँ। अभी रांगापाड़ा नॉर्थ जंक्शन पे हूँ। यहाँ पे लोकेट देख सकते गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है रांगापाड़ा का जंक्शन। गाइस, अभी तो ट्रेन तो चला गया, ट्रेन चला जाने के बाद कोई स्टेशन पे ऐसे नहीं होते। तो चलिए मैं आगे का व्यूज़ भी दिखाता हूँ। ठीक है, उधर तो और भी बड़ा सा है। ठीक है, हमारे वहाँ पे तो छोटा सा ही स्टेशन है, यहाँ पे तो जंक्शन है तो ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो चलिए मैं बड़ा वाला स्टेशन में दिखाता हूँ। ठीक है, और मेरे हाथ में देख सकते हैं क्या है, झोला में एक जो झोला है ना, क्या बोलते हैं इसे, जो है जो भी है, उसमें एक हेलमेट, लेडीज हेलमेट डाल दिया है। अभी मेरा जेंट्स हेलमेट यहीं पर, तो थोड़ा दिक्कत भी, तो फिर भी दिखाता हूँ आप लोगों को आगे, और घर चला जाता हूँ थोड़ा ब्लॉक करने के बाद। ठीक है, तो चलिए आगे दिखाता हूँ। एंजॉय दिस वीडियो। एक यहाँ पे दूसरा भी मालगाड़ी है, उसके तीसरा पैसेंजर है शायद। ठीक है, वो बंदर, बंदर भी उधर जा रहा है।
तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक यहाँ पे है, उसके बाद दो ये भी मालगाड़ी है, और तीसरा ये भी मालगाड़ी है, ठीक है। और उसके बाद चौथा वो धोने के लिए रखा होगा, चार नंबर वाला, और उसके बाद पांच नंबर वाला वो भी शायद धोने के लिए, देख सकते हैं गाइस। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शायद ये धोने के लिए रखा हुआ है यहाँ पे, इधर देख सकते हैं गाइस कितना है। तो गाइस इधर देख सकते हैं आप लोग पूरा का पूरा व्यू, ठीक है। ट्रेनी तो 360 डिग्री व्यूज। अपने कंधों पे उठाना पड़ेगा और उसके बाद लेके आना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ से आराम से वहाँ तक फिर से कंधे में उतारना पड़ेगा। तो ये रेल लाइन क्रॉसिंग करने में थोड़ा दिक्कत है फिर भी, और इधर का ये कौन सा गांव है पता नहीं है। तो गाइस ये ओवर रोड रंगापड़ा का जंक्शन, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, यही है। सिक्स एक्स पे जूम कर लिया, लेकिन सिक्स एक्स से जूम करने से वीडियो क्वालिटी इतना सही तरीके से नहीं आता है, क्योंकि फ़ोन है तो ऑब्वियसली उतना ज़्यादा तो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। Hey guys, आज का ये रामपड़ा जंक्शन का जो ब्लॉग है आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। मैं कोशिश तो करता हूँ कि लोगों के सामने आकर ऐसे डायरेक्ट वीडियो पे मतलब वीडियो बना कर डायरेक्टली बात करूँ, लेकिन थोड़ा पता नहीं कहाँ से शर्म फील आ जाता है तो वीडियो उतना अच्छा नहीं हो जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है गाइस। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों के सामने जाकर भी इसी तरह से बात करके वीडियो शूट करूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है कभी कभी। तो फिर भी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ, पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो थोड़ा अजीब तरह से देखते हैं, जब ऐसे वीडियो बनाता ना तो थोड़ा अजीब तरह से घूर घूर कर देखते हैं। मैं सोचता हूँ घर से जब निकलता हूँ आज मैं तवाई ब्लॉग बनाऊँगा बोल के सोचता हूँ, लेकिन जब भी कहीं पे ऐसे भीड़ भाड़ इलाके में आ जाता हूँ ना तो अपने आप कहाँ से पता नहीं कहाँ से शर्म वाला चीज़ आ जाता है, क्योंकि ऐसे मोबाइल को घूर घूर कर देखते हैं ना क्या कर रहा है बंदा, ये अपने आप क्या बड़बड़ा है, किसी किसी को पता नहीं होता है ना, सबको आजकल तो सबको पता है, फिर भी कोई कोई मतलब पता होने से भी अलग तरीके से मतलब देखते हैं पता होने से, तो इसी की वजह से थोड़ा शर्म लगता है, फिर भी कोई नहीं अपना काम करना चाहिए। तो चलिए लेट्स द एंड वीडियो। तो गाइस यहाँ पर बाइक जो पार्किंग करते हैं उसका भी 10 रुपये लेते हैं, तो यहाँ पे अंकल लोग का सिक्योरिटी में होता है, तो यहाँ पे गायब भी नहीं हो जाता है और 10 रुपये देना पड़ता है उसके लिए, दिन भर रख के कुछ नहीं, रात को रखने से 50 रुपये, ठीक है, ठीक है। बिना रिसिप्ट से रखना तो मना ही है। हाँ हाँ, रिसिप्ट काटो, अपना गाड़ी रखो। हाँ ठीक है, सेफ रहेगा। 50 रुपये दिया था, 40 रुपये रिटर्न कर दिया। हाँ ठीक है, ठीक है, चलते हैं यहाँ से आज का।